हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरएन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आरएन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड तक कर लिए थे, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड तक कर लिए थे बच्चों। और आज जो है स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम लोग कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो क्या हमें शेड करना था। ये कुछ डायग्राम्स इधर दिया हुआ, हमें उसे शेड करना। शेड कितना करना है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, क्वेश्चंस में दिया हुआ 1/2 ऑफ द सर्कल बॉक्स। अब 1/2 ऑफ द सर्कल बॉक्स जितना भी है उसका 1/2 पार्ट हमें शेड करना। तो सर्कल पहले कितना है स्टूडेंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सर्कल है। नंबर ऑफ सर्कल जो बच्चों कितना है 12। तो हमें 1/2 शेड करना किसका, 12 का। 1/2 ऑफ 12 हम लोग निकालेंगे, दैट मींस क्या होगा स्टूडेंट्स, 1/2 × 12। तो इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो क्या आएगा 6 सर्कल। यानी कि हमें कितने सर्कल को शेड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, 6 सर्कल्स को हमें शेड करना पड़ेगा। कितने सर्कल्स को शेड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, 6 सर्कल को हमें शेड करना पड़ेगा। तो हम लोग इस तरह से 6 सर्कल को इस तरह से हम लोग शेड कर देंगे। फिर इस तरह से देखो 6 सर्कल शेड हो गया, इसका देखो पूरे में से आधा पार्ट हमारा सेट हो गया, 1/2 वही होगा ना, हाफ। तो 12 है तो हमें 6 सर्कल सेट करना। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ रहे होंगे कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, 2/3 ऑफ ट्रायंगल इन ए बॉक्स बी बॉक्स ये है, इसमें 2/3 पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल को हमें सेट करना। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना देखो स्टूडेंट्स, 9 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि 9 का 2/3 पार्ट हमें शेड करना है, यानी कि 2/3 × 9। इज क्लियर ऑन ऑल स्टूडेंट्स, इज क्लियर ऑन ऑल। तो आफ्टर देन यहां से हम लोग देखें कि ये 3 से कट रहा था, 3 × 3 = 9, तो 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6। तो 6 जो था बच्चों हमें कितने सर्कल को शेड करना हमें, दैट मींस 6 सर्कल को हमें क्या करना है बच्चों, 6 सर्कल को हमें क्या करना है, शेड करना। तो 6 सर्कल को हम लोग देखो इस तरह से शेड करेंगे बच्चों, इस तरह से देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 देखो इस तरह से, तो हमारा 6 सर्कल शेड हो गया। तो हम लोग कितने सॉरी ट्रायंगल साथ हम लोग 6 ट्रायंगल्स को शेड करना था। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोग देखो समझ पा रहे हो कि क्वेश्चंस को किस तरीके से हमें करना था। नेक्स्ट जो था बच्चों, जितना भी है ना हमें उतने से 3/5 को जितने भी नंबर हमें दिया हुआ जितना फिगर है हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन ए बॉक्स। अभी देखो इस बॉक्स में कितने स्क्वायर है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 में से हमें 3/5 को क्या करना है बच्चों, शेड करना। तो 3/5 ऑफ 15, ठीक है बच्चों। अब ऑफ के जगह पे हम लोग हटा के क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो 5 × 3 = 15, तो 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9। दैट मींस हमें ये पता चला स्टूडेंट्स, हमें ये पता चला कि टोटल नंबर्स ऑफ जो बॉक्स है उसे कितने शेड करना है, 9 बॉक्स को हमें शेड करना है। कितने बॉक्स को शेड करना है स्टूडेंट्स, 9। तो 9 स्क्वायर को हम लोग सेट करेंगे इस तरह से देखो, पहले तो हम सारा सेट कर दिए तो ये हमारा 5 हो गया। आफ्टर देन देखो 6, 7, 8, 9। ओके स्टूडेंट्स, तो ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा हो कि किस तरीके से सेट करना था। तो टोटल कितने बॉक्स को सेट करना, 9 स्क्वायर्स को सेट करना, तो हम लोग 9 स्क्वायर निकाल दिए। तो आई होप स्टूडेंट्स कि देखो आप लोग समझ पा रहे हो कि क्वेश्चंस में हमें क्या करना था, क्वेश्चंस में जो था स्टूडेंट्स वो हमें क्या करना था, किस तरीके से सॉल्व करना था। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करने वाले हैं स्टूडेंट्स कि 5 में हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। और 5 में देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 5 था, देखो 5 क्वेश्चंस में जो था देखो बच्चों हमें किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब 5 क्वेश्चंस में जो था देखो बच्चों, 5 क्वेश्चन में जो है, 5 क्वेश्चंस में हमें जो दिया हुआ स्टूडेंट्स वो है वैल्यू निकालना। क्वेश्चन नंबर 5 में जो स्टूडेंट्स क्या करना है, फाइंड यानी कि वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ए में है 1/2 ऑफ फर्स्ट में 24, यानी कि 24 का 1/2 पार्ट्स क्या होगा, फिर 36, फिर 46 का 1/2 पार्ट्स क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो बच्चों हमें ए में 1/2 निकालना, 24 का 46 का। ओके तो देखो हम लोग किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। एट फर्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 1/2 ऑफ के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे,
मल्टीप्लाई, तो यानी कि 1 अपॉन 2 क्वेश्चंस में इस तरह से 1 अपॉन 2 ऑफ 24 दैट मींस 1 अपॉन 2 इनटू 24, तो ये कट गया बच्चों, तो क्या आ गया 12, तो आंसर क्या आ जाएगा 12, यानी कि 24 का 1 अपॉन 2 क्या आ जाएगा बच्चों 12। इसी तरह से 46 का यानी कि 1 अपॉन 2 ऑफ 46, तो 1 अपॉन 2 इनटू 46 हम लोग करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 23, दैट मींस आंसर जो है बच्चों वो क्या आ जाएगा 23 हो जाएगा, आंसर जो है स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगा 23 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिन इसी तरह से मैं बी में जो था बच्चों इसी का जो है बच्चों ए का हो गया, बी में जो हमें करना था स्टूडेंट्स इसी का बी में जो है, बी में जो है 2 अपॉन 3 ऑफ 18, यानी कि 18 का 2 अपॉन 3 क्या होगा फर्स्ट में 2 अपॉन 3 ऑफ 18, और इसी में बी में बताना था 2 अपॉन 3 ऑफ 27, यानी कि एक बार हम लोग लिखेंगे 2 अपॉन 3 ऑफ 18, 2 अपॉन 3 ऑफ 18। ओके स्टूडेंट्स, और 2 अपॉन 3 जो 18 का 2 अपॉन 3 क्या होगा हम लोग देखो करेंगे इस तरीके से, दैट मींस 2 अपॉन 3 इनटू 18, 2 अपॉन 3 इनटू 18, तो 3 9 जा 18, तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, तो यानी कि 2 अपॉन 3 ऑफ 18 जो है बच्चों क्या होगा, सॉरी 3 6 जा 18, सॉरी 3 6 जा 18 और 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, तो 12 होगा। इज क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम लोग निकालेंगे 2 अपॉन 3 ऑफ 27, तो दैट मींस 2 अपॉन 3 इनटू 27, तो 3 9 जा 3 9 जा 27, तो 9 2 जा 13, 9 2 जा 18। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप देखो आप लोगों को समझ में जो है क्वेश्चन जो है हमें किस तरीके से सॉल्व करना है वो आपको समझ में आ रहा होगा। आफ्टर दिन देखो इसी का बी था, अब इसी का सी पार्ट जो हमें करना है बच्चों, सी में जो है 3 अपॉन 4, 3 अपॉन 4 ऑफ फर्स्ट में है 16, 3 अपॉन 4 ऑफ 16, और सेकंड में जो है बच्चों इसी का सेकंड में जो है 36। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखो क्या है किस तरीके से सॉल्व करने वाले, पहले तो हम लोग ये 3 अपॉन 4 ऑफ फर्स्ट, 3 अपॉन 4 ऑफ 16 दैट मींस 3 अपॉन 4 इनटू 16, तो 4 4 जा 16, ये कट गया ऊपर नीचे कटा था, और 4 3 जा 12, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 12। इसी तरह से अब सेकंड में इसी का था 3 अपॉन 4 ऑफ 36 दैट मींस 3 अपॉन 4 इनटू 36, तो 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, तो 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, तो दैट इज आवर आंसर। तो सी आई होप बच्चा स्टूडेंट्स सी जो था आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि क्या क्वेश्चंस में करना था। आफ्टर देन जो स्टूडेंट्स आफ्टर देन जो इसी का देखो अब डी जो पार्ट रह गया, डी पार्ट जो है 4 अपॉन 5 ऑफ फर्स्ट में 20 और सेकंड में जो था बच्चों 35। ओके स्टूडेंट्स, तब हम लोग देखो क्या था हमें क्वेश्चंस में क्या करना था, एट फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे 4 अपॉन 5 इनटू, पहले देखो इस तरह से आप लोग समझ रहे होंगे ऑफ 20, 4 अपॉन 5 ऑफ 20 दैट मींस 4 अपॉन 5 इनटू 20, तो 5 4 जा 20 कट गया, तो 4 4 जा 16, सामने सामने मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट्स, तो 4 4 जा 16 ये हमारा आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से सेकंड पार्ट, तो इसका जो बच्चा था 4 अपॉन 5 ऑफ 35 दैट मींस 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 35 अपॉन 1 वन हम कहीं नहीं रहा, तो 5 7 जा 35 और 4 को 7 से करेंगे स्टूडेंट्स क्या जाएगा 28, तो 28 इज आवर आंसर, 28 इज आवर आंसर, तो 28 हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स आंसर हो गया। तो आई होप कि देखो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 था जो स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और अगर जो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके हमें आप जरूर बता कि आपके लिए जो था हम लोग बता कितना यूजफुल था। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।